नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, इसका एसआई यूनिट लक्स होता है, या फिर ल्यूमेन होता है, या फिर कैंडला होता है, या फिर स्टेरिडियन होता है। तो इसका आंसर होगा, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, इसका एसआई यूनिट हम कैंडला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये जो टेबल है, इसमें देखो, जो कैंडला होता है, ठीक से देखो, जो कैंडला होता है वो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है। उसके बाद देखो, ऑप्शन 1 लक्स है, जो लक्स होता है देखो वो हमारा इल्यूमिनेंस का यूनिट है। और जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है। और जो स्टेरेडियन होता है वो हमारा सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट हमारा कैंडला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। उस थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो नो लोड स्पीड होता है उसको कहेंगे सिंक्रोनस स्पीड, या फिर जो फुल लोड स्पीड होता है उसको कहेंगे, या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे, या फिर स्टार्टर और रोटर का जो रिलेटिव स्पीड होता है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। तो इसका आंसर होगा, किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसके ऊपर में ये जो है, ये मान लो ये हमारा स्टार्टर है, और उसके अंदर में जो घूमता है ये रोटर होता है। जब हम इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तब क्या होता है, ये जो स्टार्टर होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। थ्री फेज सप्लाई देने के बाद इसमें ये स्टार्टर होता है, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कुछ इस डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो जिस स्पीड में इस मैग्नेटिक फील्ड इस स्टार्टर में घूमता है उसको ये क्या कहते हैं ना, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो इसीलिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है जो स्टार्टर में घूमता है उसको ही क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और आपको जानकारी के लिए, जो रोटर होता है ये हमेशा स्टार्टर के स्पीड से, स्टार्टर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है उससे रोटर का स्पीड हमेशा कम रहता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर विद आर्मेचर। देखो, एक हमारा जो होता है डीसी जनरेटर होता है, उसमें इंटरपोल और आर्मेचर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन रहते हैं, या फिर पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, या फिर सीरीज पैरेलल दोनों में होते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा, डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल और आर्मेचर जो होते हैं दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। मान लो ये वाला फिगर देखो, मान लो ये हमारा एक डीसी जनरेटर का फिगर है, इसमें बीच में क्या होता है, ये होता है रोटर, इसमें होता है आर्मेचर, जो रोटर होता है उसमें होता है आर्मेचर, और देखो, और ये होता है एक मेन पोल, ये और क्या होता है मेन पोल। दोनों मेन पोल के बीच में जो छोटा सा पोल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। तो ये जो इंटरपोल देखो ठीक से, ये इंटरपोल और ये आर्मेचर दोनों आपस में कैसे कनेक्शन होते हैं ना, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। जो सेकेंडरी सेल होता है उसका जो प्लेट बेंड होता है, बेंडिंग होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहेंगे, या फिर लोकल एक्शन कहेंगे, या फिर पार्शियल शॉर्ट कहेंगे, या फिर हार्ड सल्फोनेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक सेकेंडरी सेल का प्लेट बेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, मान लो ये हमारा बैटरी है या फिर सेकेंडरी सेल है, इसमें जो हमारा प्लेट होता है ये क्या होता है ना, कभी कभी ये जो देखो ये स्ट्रेट है, सीधा है, इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो प्लेट होते हैं ये बेंड हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल वर्क बाय व्हिच लॉ। देखो सेल हमारा टू टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं करते हैं, वंस अगर चार्ज खत्म हो जाता है उसके बाद इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है इसका चार्ज एक बार खत्म होने के बाद भी इसको हम रिचार्ज करके दोबारा यूज करते हैं, वो होता है सेकेंडरी सेल। तो ये जो सेकेंडरी सेल होता है ये चार में से कौन सी लॉ के मुताबिक काम करता है, लेंस लॉ के मुताबिक, या फिर जूल्स लॉ के मुताबिक, या फिर फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के मुताबिक, या फिर फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सेकेंडरी सेल होता है वो हमारा फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के इस लॉ के मुताबिक काम करता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो फाराडेज का जो फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है, टू इसमें दो लॉ होता है, एक वन फर्स्ट लॉ होता है और एक सेकेंड लॉ होता है। यह होता है फर्स्ट लॉ, यह होता है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चार्ज पास्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये एक हमारा इलेक्ट्रोड है, ये और एक इलेक्ट्रोड है, इसके थ्रू हम जितना करंट पास करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड जाएगा, ये होता है उसका फर्स्ट लॉ और ये सेकेंड लॉ, ये आपको पढ़ना होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका, फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग। देखो जो वाइंडिंग होता है, हम वाइंडिंग करते हैं मशीन में, वो नॉर्मली टू टाइप का होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। तो क्वेश्चन में वेव वाइंडिंग में इनमें से कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए आसान रहेगा। लॉ जो हमारा लैप वाइंडिंग होता है उसमें लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, ये आपको याद रखना होगा। लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट, और जो वेव वाइंडिंग होता है इसमें हाई वोल्टेज होता है और लो करंट होता है। तो क्वेश्चन में क्या है वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग मतलब हाई वोल्टेज लो करंट। हाई वोल्टेज कहाँ पर है, देखो ये हाई वोल्टेज है और लो करंट, तो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हमारा लैप वाइंडिंग होता तो उसमें लो करंट रहता, लो करंट हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई करंट होता, लो वोल्टेज कहाँ गया, देखो इधर लो वोल्टेज हाई करंट, ये हमारा लैप वाइंडिंग के लिए ये वाला होता, ऑप्शन थ्री होता, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन वेव वाइंडिंग है तो ऑप्शन नंबर फोर होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नो लोड कंडीशंस द करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। देखो मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें कोई भी लोड नहीं है, तो इस कंडीशन में भी अगर इस ट्रांसमिशन लाइन में कुछ करंट रहता है तो किसके वजह से रहता है, कोरोना इफेक्ट होता है, इसलिए इस नो लोड में भी इस ट्रांसमिशन लाइन में करंट रहता है, या फिर कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है इसीलिए करंट रहता है, या फिर बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ, अर्थ से बैक फ्लो होता है अर्थ से, या फिर स्पिनिंग ऑफ रिजर्व, या फिर स्पिनिंग रिजर्व से हमारा करंट रहता है नो लोड के टाइम में भी। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें अगर कोई भी लोड नहीं है, नो लोड कंडीशन में है, फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें क्या होता है ना, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे होता है, पहले देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है उसमें दो कंडक्टर दो साइड में रहता है, बीच में हमारा क्या डाइलेक्ट्रिक रहता है या फिर इंसुलेटर रहता है, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें क्या रहता है, मान लो ऊपर में एक तार रहेगा, नीचे और एक तार रहेगा, तो बीच में क्या रहता है, एयर रहता है, तो ऊपर में एक कंडक्टर, नीचे और एक कंडक्टर, बीच में रहता है एयर, जो एयर होता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर जैसा काम करता है। तो इसमें क्या होता है ना, ऊपर में कंडक्टर, नीचे कंडक्टर, बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, और इस कैपेसिटिव इफेक्ट से ही जब एक ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लोड नहीं रहता है फिर भी इसमें करंट फ्लो होता है। तो इधर भी देखो, मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें ऊपर में एक वायर गया है, नीचे और एक तार है, तो दो कंडक्टर रह गया, बीच में हमारा एयर रह गया, तो ये कैपेसिटर जैसा काम करता है, इसलिए इसी इफेक्ट वजह से क्या होता है ना, हमारा करंट फ्लो होता है जब नो लोड कंडीशन रहता है फिर भी करंट फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो फेज टू फेज कैपेसिटेंस बन गया, इस फेज से इस फेज के बीच में कैपेसिटर बन गया, और इस फेज और जमीन के बीच में भी, जमीन भी एक कंडक्टर होता है और एक वायर भी कंडक्टर होता है, बीच में एयर रहता है, वो इंसुलेटर जैसा काम करता है, तो इसमें भी एक कैपेसिटर जैसा बिहेव होता है, और इसी इफेक्ट से क्या होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पोजिशन स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आर यूज। देखो एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल, दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल, तो इनमें से कौन सा कंट्रोल, ये कौन सा पोजिशन में हम
स्प्रिंग कंट्रोल मेथड को यूज करते हैं, एनी पोजिशन या फिर वर्टिकल पोजिशन या फिर हॉरिजॉन्टल पोजिशन या फिर इंक्लाइंड पोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्प्रिंग टाइप होता है वो हमारा एनी पोजिशन, चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, किसी भी पोजिशन में हम स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। जब हम किसी एक सीरीज मोटर को बिना लोड विदाउट लोड में स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली हम नहीं करते हैं, किसी भी सीरीज मोटर को विदाउट लोड में स्टार्ट नहीं किया जाता है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है ना, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्पीड भी डेंजरसली हाई स्पीड प्रोड्यूस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम बैक ईएमएफ नहीं रहता है, या फिर लोड करंट फ्लो थ्रू द फील्ड करंट इसीलिए, या फिर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों बराबर रहता है, या फिर जो सीरीज वाइंडिंग होता है बहुत ठीक रहता है। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसको अगर हम विदाउट लोड बिना लोड में स्टार्ट करेंगे तो वो डेंजरियसली हाई स्पीड होता है, जिससे मशीन डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम उसमें कोई भी बैक ईएमएफ नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या होता है, ये होता है आर्मेचर, देखो ठीक से, ये होता है हमारा आर्मेचर और इधर से क्या होता है ना, इनपुट करंट जाता है। तो बैक जो आर्मेचर होता है उसी में ही, जो आर्मेचर होता है उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो सप्लाई वोल्टेज की ऑपोजिट में काम करता है। मान लो इधर से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिससे क्या होता है ना, मोटर का जो स्पीड होता है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर हम स्टार्ट में क्या करेंगे, कोई भी लोड नहीं रहेगा फिर भी मोटर को स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो बैक ईएमएफ आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है वो स्टार्ट में जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तब तो इस बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है। मतलब स्टार्टिंग के टाइम अगर कोई भी लोड नहीं देंगे तो बैक ईएमएफ नहीं रहता है, जिससे इस अप्लाई वोल्टेज को अपोज करने के लिए कोई नहीं रहेगा, जिससे मोटर क्या करेगा ना, डेंजरसली हाई स्पीड में घूमेगा, जिससे हमारा मोटर भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए नॉर्मली विदाउट लोड में सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्टैंड्स सराउंडेड बाय 25 एल्युमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाइड एज। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम कौन सा वायर यूज करते हैं, SCSR यूज करते हैं। SCSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड मीन्स इसमें एल्युमिनियम भी रहेगा और स्टील भी रहेगा। तो देखो हम सभी जानते हैं करंट फ्लो के लिए एल्युमिनियम चाहिए, तो स्टील क्यों है, देखो ये हमारा SCSR कंडक्टर है, ऊपर में जितना सारा देखो ये बीच में देखो थोड़ा डीप कलर आता है, तो ये बीच में जो वायर है ये हमारा स्टील का बीच वाला है, और ऊपर में ये जो जितना सारा कंडक्टर है ये हमारा एल्युमिनियम का होता है। तो देखो ये जो बीच में जो हमारा स्टील है ये क्यों, इसको क्यों यूज किया गया है ना, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, और ऊपर में जो हमारा एल्युमिनियम का कंडक्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो 7 क्या है स्टील, देखो बीच में जो है वो 7 है, 7 नंबर ऑफ स्टील है, और बाहर में जो कंडक्टर है वो 25 है। इस कंडीशन में हम इस SCSR कंडक्टर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, 7/25 में या फिर 7/32 में या फिर 25/7 में या 25/32 में। तो इसका आंसर होगा, अगर स्टील रहेगा 7 और एल्युमिनियम रहेगा 25, तो इसको क्या कहेंगे, 25/7। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।